हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज क्लास रे समस्तंकर स्वागत। आज क्लास रे पिला माने आमे मैथमेटिक्स रो रिविजन क्लास करिबा, कारण आमर मैथमेटिक्स रो चैप्टर वाइज क्लास सरीगला। पिले आमर सबु चैप्टर आमे थ्रोली क्लास करि सारिजे, माने पूरा टिकी निकी भाबे सहजरु डिफिकल्ट लेवल पर्यंत आमे सबु क्लास करि सारिजे। सबु पाठ आमे थरे पढ़ी सारिजे, आज आम रिविजन करवा। रिविजन करवा, रिविजन माने कौन पिले ना आउ थरे पुनरावृत्ति करवा, जहा सब पढ़ीचे से भितर कौन सब क्वेश्चन आसुची ताकू आम केमिति समाधान करवा, वन बाय वन डिस्कस करवा। तो निश्चिंत भाव पिला माने आज क्लास टी एंजॉय कर, सब प्रश्नर उत्तर निजे समाधान करके उत्तर देवाक चेष्टा कर। यस, बहुत बढ़िया। तो डेरी न करके चलो प्रथम प्रश्न रु आरंभ करिबा। किंतु समस्त को जणई रखुची आमे जेतिकी क्लास करी सारीचे सियोर हे जाओ जे समस्ते सबु क्लास देखी सारी छ। जदि देखि न पिले आउ थरे लेखाय देखि नबो, कारण मैथमेटिक्स रे किछि पिला भूल करंती। ओके, आ मैथमेटिक्स चैप्टर टा आमो पई प्लस पॉइंट अटे, जहार जेतिकी मैथमेटिक्स भलो हबो तहार सेतिकी अधिक नंबर रहिबो। फास्ट प्रश्न 16 नंबर प्रश्न, एटा आमर 2023 मसीह रे आसीथिबा क्वेश्चन पेपर आमे डिस्कस करिबा, जे ओडिसा आदर्श विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 मसीह रे एही सब मैथमेटिक्स आमर आसीथिला। हां ठीक अछि, जणे स्टूडेंट कहउछन्थि सर टेस्ट रो मार्क कोहंतु, मु कहि दैछि पिला माने जे आजिर टेस्ट रो रिजल्ट आसंता काली तुम मानकु व्हाट्सएप ग्रुप रे पीडीएफ माध्यम रे मु पठै दउछि। पुणी आज जोटा टेस्ट हम आसंता काली, काली जोटा टेस्ट हम पर दिन, गोटे दिन पर तुम मानक रिजल्ट मिलिबो, आउ पीडीएफ फॉर्मेट रे रिजल्ट समस्ते पाइबो। ओके, 16 नंबर, 21 रो केतोटी गुणितक अछि, हाउ मेनी मल्टीपल्स डू 21 हैज। 21 रो केतोटी गुणितक अछि कहिलो टिके, गुणितक पिला माने एटी दुईटा जिनस मन पकेबो। आमे पढ़ीतिले गुणनियक एवं गुणितक, पढ़ीतिले ना नाही गुणनियक एवं गुणितक। गुणनियक कहले कौ कौ पणकिया रे से डिवाइड होउची, गुणितक कहले सेही संख्या द्वारा केऊ केऊटा डिवाइड होउची, हैला ठीक अछि। तो 21 रो गुणितक केतोटी अछि, 21 रो गुणितक देख पिला माने, गुणितक 5 रो गुणितक होउची 5 10 दस पंदर कोड़े पचीस तीस पैंतीस, एमती लंबी लंबी जीव आग को आग को बढ़ी बढ़ी बहुत दूर पर्यंत जीव, जहाँ को आम कह असंख्य असंख्य गुणितक अच्छी। तो 21 मध्य असंख्य गुणितक अच्छी, डी हम राइट आंसर, कौन सी नुह। 21 तीनोटी ना चारोटी ना दुईटी ना, असंख्य गुणितक अच्छी। सबुबेले प्रथमे प्रश्न बुझिबो एटी कोण कहिछि ना गुणनियक कहिछि ना गुणितक, एटी हमकु गुणितक कहिछि। जदि गुणनियक कहि थांता पिले 21 रो गुणनियक के केबे ना 1 आउ 21 3 आउ 7, तो 21 रो गुणनियक 4 टी, गुणनियक 4 टी, किंतु गुणितक असंख्य बाहरिबो। क्लियर हे गेलो, एई जिंस बुझि गेलो ना नै, बुझि गेलो। गुणनियक गुणितक रु जदि प्रश्न आसिबो ठीक भाबे बुझिकी उत्तर देबो। ओके, एठी मु आ गोटे क्वेश्चन समस्त को पचारिबी, वर्तमान जेहेतु क्वेश्चन आसीगलाणी देखिबा केते जण राइट आंसर दे परिबो। प्रश्नटा एठी नोट करिबी पिले, टिके मते टाइम दियो, मु टिके नोट करिके एठी लेखि दउछि जे केते जण राइट आंसर दे परिबो। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक अच्छे, एबे आमे जीवा देखो, ये मुझे क्वेश्चन टा लिखु समस्त मन देखी शुण। मु कहली एठी बड़ हेगला पेनटा, एक रु पचास मध्य रे केतोटी संख्यार केवल तीनोटी गुणनियक अच्छी। देखिबा केते जण राइट आंसर दे पारिबो,
एक रु पचास मध्य केतोटी संख्यार केवल तीनोटी गुणनीयक अछि। चलो चलो खातार समाधान कर, मु टाइम देवी। आज मैथमेटिक्स क्लास समस्त को टाइम दिया हबो, समस्त निजे समाधान करिवे तापर उत्तर कहिबे। केतोटी संख्यार केवल तीनोटी गुणनीयक अछि, एटी पिला माने मौलिक संख्या मु पचारिनी, तमे माने जो माने 15 उत्तर कहुछ भूल अटे। मौलिक संख्या कहितिले 15 हितांता, आ मौलिक संख्यार केतोटी गुणनीयक, दुईटी गुणनीयक, किंतु एटी प्रश्न कहिछि तीनोटी गुणनीयक अछि। सबुबेले मु कहुछि जे प्रश्न को प्रथमे बुझिबो तापर उत्तर कहिबो। चलो ताहले एटी आंसर कहि दउछि मु। प्रथमे गोटे संख्या हेगला चारि, चारि रो तीनोटी गुणनीयक ना, एक चौ चारि, दुई दुणा चारि, या माने केते हेला एक गोटे दुई गोटे चारि गोटे। न गोटे संख्या आसिला एक तीनि आउ न, तापरे पचिश गोटे संख्या आसिला एक पांच आउ पचिश, तापरे आउ गोटे आसिबो अणचाश एक सात आउ अणचाश, ताले टोटल केतोटी हला एक दुई तीन चारि, चारोटी संख्या अछि जहार केवल तीनोटी गुणनीयक अछि, चारोटी संख्या। एबे बुझी पारिलो प्रश्नटा, एही प्रश्न को ठीक भाबे समाधान करिवो। जहाँ भी प्रश्न आसिबो प्रथमे बुझिकी उत्तर कहिबो। आगो को बढ़िबा, सतर नंबर, सतर नंबर कहिछि क्यों क्षुद्रतम संख्या को दुई तीन चारि द्वारा भाग कले प्रत्येक स्थल भागशेष एक हम। प्रश्न बुझी पारल, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय टू थ्री फोर लिव्स रिमाइंडर वन इन ईच केस। मैंने गोटे संख्या बाहर करवा जहाँ को दुई रे भी भाग करवा, तीन रे भी भाग करवा, चारि रे भी भाग करवा, ताहले भाग शेष एक रही जीवो। या मैंने कौन पीले ना इमानंकर प्रथमे लसा को बाहर करिवो, आउ सेथिरे एक मिसाई देवो, दुई एक दुई, तीन ओल्लै देले दुई दुणे चारि, आउ जीवनी दुई तीन छ दुणे बार, एल सी एम बा लसा गु होगला आमर बार। बारटा विभाज्य हम दुई रे भी जीवो, तीन रे भी जीवो, चारि रे भी जीवो, किंतु एथिरे आमे एक मिसाई देले तो आमर केते हेगला तेर, तेर हम करेक्ट आंसर। सतर नंबर बी हेला राइट आंसर। बुझि होउची ठीक अछि। ता सह आउ गोटे क्वेश्चन मु कहउची, ताहले समस्त उत्तर दियो, केउ संख्याटी को सबु बेले गोटे क्लास हेला परे गोटे आमर डेमो क्वेश्चन रहिबो टेस्ट करा जइबो, क्यों संख्या को दुई तीन चारि द्वारा भाग कले भागशेष यथाक्रमे एक दुई तीन रहिबो। देखिबा किए कही पारुछि क्यों संख्या को दुई द्वारा तीन द्वारा चारि द्वारा भाग कले भागशेष एक दुई तीन रहिबो। प्रश्न बुझिकी कह नहले भूल आसिबो। देखो ठीक अछि, चलो समाधान करिबा। प्रथमे हम जानिले दुई तीन चारि रो लॉस आगु होउछि पिला माने बार, लस आगु होउछि बार, ठीक अछि। बारटा दुई रे भी विभाज्य हबो, तीन रे भी विभाज्य हबो, चारि रे भी विभाज्य हबो, एक रही जीव कहिले जोग एक करी थांता, किंतु दुई रे भाग कले एक रहिबो, तीन रे भाग कले दुई रहिबो, चारि रे भाग कले तीन रहिबो। या माने कोन करिबा पिले बार ठारु कम करी देबा, बार ठारु एक माइनस कर देले तो आमर उत्तर केते बाहरिला एगार, तो राइट आंसर हबो एगार। होउछि ना नाही देखो, जदि आमे एगार को दुई रे भाग कले दुई पंचा दस रहिगला एक, दुई रे भाग कले एक रहिबो,
एगार को जो तीन रे भाग करवा तीन तीन नौ रहीगला दुई रहिला ना नहीं चारि रे जदि भाग करिबा 11 न 4 4 2 8 11 रु 8 गला 3 यस सर नो बुझेला तो जदि क्रमिक नंबर एठी भागशेष रहूची ताले माइनस करि देबो सबु जगह रे समान जदि रहूची प्लस करि देबो एटा मने रखो क्लियर ओके नेक्स्ट बढ़िबा 18 नंबर क्वेश्चन को एई भलिया क्वेश्चन आसीले हम आराम रे समाधान करि पारिबा 18 नंबर क्वेश्चन जहाँकि सुपर सेट रे हमें डिस्कस करते भाया क्वेश्चन आम मॉडल पेपर 9 रे हाँ ना नहीं मॉडल पेपर 9 रे हमें यही सब क्वेश्चन पीले डिस्कस करते मन रख 18 नंबर गोटे बस रे 56 जन पिला जाई पारंती 1176 जन पिला जीवापाई केतोटी बस आवश्यक प्रश्न कही 56 स्टूडेंट्स कैन ट्रैवल इन वन बस हाउ मेनि सिमिलर बसेस आर रिक्वायर्ड फॉर 1176 स्टूडेंट्स ठीक अच्छे आम हरण करदे टोटाल अच्छा 1176 जन 56 टी 56 जन गोटे बस रे जीवे केतोटी बस लगे ना आम ये कौन कले 56 दुणे 112 56 रहा 56 एक 56 21 हम राइट आंसर ऐकिक धारा पाठ आसी 18 नंबर बी हम करेक्ट आंसर नेक्स्ट जीवा प्रश्न नंबर 19 को प्रश्न नंबर 19 एटा भी आलोचना करिथिले बारंबार एटा आसुची आलोचना करिथिले उत्तर देबा को चेष्टा करो 6 जन श्रमिक 6 दिन रे 6टी कार्य करंती 5 जन श्रमिक 5टी कार्य संपादन करबा को केते दिन समय नेबे कहिल एटा पढ़ी थिले 19 नंबर आग क्लास रे डिस्कस करीजे 6 जन को 6टी काम पई 6 दिन लागिवो 1 जन को 1टी काम पई 6 दिन लागिवो 5 जन को 5टी काम पई 6 दिन रहिवो दिन समान रहिवो माने गोटिए जिनिस तयारी हेबा पई 6 दिन ही लागिवो जणे गोटे जिनिस तयारी करिया पई 6 दिन लागिवो बहुत बढ़िया राइट आंसर हम सी एटी 5 एबे भी करूच पिले मु बारंबार कहूँ जहाँ पढ़ुच मन रख 19 नंबर सी हम ओके 20 नंबर निम्नोक्त मध्य केउटी एक लघिष्टाकार भग्नांश व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म सबुठारु आमर कौन थी सी लघिष्ट आकार आम भाग कर पारिबा नाही क्यों संख्या टाकू टाकू हमें भाग कर पारिबानी तीन विभक्त बार ना तीन एक तीन तीन चौ बार एटा होउची हबनी चार विभक्त छ ना दुई दुणा चार दुई तीन छ एटा भी हबनी तीन एक तीन तीन सौ अठर एटा भी हबनी राइट आंसर हम डी तीन विभक्त चार को आमे सिंपलेस्ट करी पारिबानी आउ सान करी पारिबानी आकु कौ पणकिया रे जीवो कि दुईटा जीवनी 20 नंबर डी हला करेक्ट आंसर 20 नंबर डी प्रश्न नंबर 21 21 नंबर राम गोटिए केक रो एक विभक्त तीन अंश खाइबा परे अवशिष्ट रो एक विभक्त चार अंश हरि को देला आउ केते अंश बड़का रहिला प्रश्न ठीक भावे बुझ यही आमर भग्न संख्या में पढ़ीचे भग्न संख्यारु क्वेश्चन आसीबो पिले राम गोटिए केक रो एक विभक्त तीन अंश खाइदेला जेति कि बोलिला तारो एक विभक्त चार अंश हरि को देला
आउ केते अंश बड़का रहिला हिसाब करिबा। प्रथमे जेतिकि थिला एक विभक्त तीन अंश खाइदेला माने तीन भागरु एक भाग खाइदेला केते रहिला ना दुई विभक्त तीन रहिला बुझियौछि। दुई विभक्त तीन र एक विभक्त चारि हरि कु दैछि या माने दुई विभक्त तीन गुणन एक विभक्त चारि र कहिले गुणन तीन चौ बार दुई एक दुई दुई विभक्त बार हरि कु दैछि बार भागरु दुई भाग दैछि आउ केते रहिला पिले ना दस भाग दस विभक्त बार याकु जदि आमे काटिबा दुई पंचा दस दुई सौ बार पांच विभक्त छ हेब राइट आंसर एटी ऑप्शन देइ नाही। ओहो हो ठीक अच्छे एटी गोटे जिनस भूल कर देले टिके पिला माने टिके आमर दुई विभक्त बार बाहरिला दुई विभक्त तीन र एक विभक्त चारि कले दुई विभक्त बार रहिला एटा कले भी हिबो आमे डायरेक्ट माइनस कर दितले भी हितंता दुई विभक्त तीन रु एक विभक्त चारि अंश दे देला लसागु गला बार चार दुणे आठ तीन एक तीन पांच विभक्त बार हब राइट आंसर ए हब राइट आंसर एबे बुझिल एटा आमे माइनस करि नथिले एबे भी कले हब आमर दुई विभक्त तीन रु दुई विभक्त बार माइनस कले भी हब हला लसागु जीव बार तीन चौ बार चार दुण आठ आठ रु दुई गला छ एक विभक्त दुई बाहर जीविले आरे ये टिके कन्फ्यूजन करदे समस्त को प्रश्न टा एक विभक्त दुई बाहर उत्तर चल या आउ थे टिकी निकी भाव समाधान करने सहजरे सहजरे समाधान करवा ठीक अच्छे पांच विभक्त बार बाहर ना एक विभक्त दुई बाहर कन्फ्यूजन कर देला ओके तो एठी हमें समाधान करबा बुझबिले। सत्यजित महंत मु बारंबार कहिछि जो मानकर क्लास करिवार इच्छा नाही अन्य मानकु डिस्टर्ब करिवनी जे क्लास रे अन्य मानकु डिस्टर्ब कला ताकु संपूर्ण रूपे क्लास रु मु रिमूव करि देबी पिले तमे आउ क्लास जमारु केबे करि पारिबो नाही एटा लास्ट वार्निंग समस्तनकु जणै दउछि जो माने अननेसेसरी मेसेज याडु सियाडु मेसेज करिवो तांकु संपूर्ण भाव क्लास रु काटि दिया परे कहिबोनी सर मते बैक करंतु कारण बहु जन पिलांकु आमे क्लास रु रिमूव करि सालुनी ओके चलो बुझिबा एई प्रश्न इम्पोर्टेंट अछि टिके बुझिबा 21 नंबर प्रश्नटा कहला गुटे केक थिला ठीक अछि बने कर एटा गुटे केक केक रो तीन अंश एक विभक्त तीन अंश राम खाइला चलो एटा बुझ पिले एटा बुझै दिलि बि तथापि एटा गला एक विभक्त तीन अंश एति किए खाइदेला राम खाइदेला उदाहरण स्वरूप भाविनिय केक रो ओजन होची पिला माने 600 ग्राम बुझिबा पई कहूची 600 ग्राम ताले गोटे गोटे भाग को केते पड़िला 200 ग्राम लेखाई पड़िला ठीक अच्छे। वर्तमान से कहिला जेति अच्छी एक विभक्त चारि अंश हरि को देला वर्तमान केते अच्छी पिले 400 ग्राम अच्छी केते अच्छी 400 ग्राम जहाँ को आमे कहूचे से खाई केते एक विभक्त तीन बाकी अच्छी दुई विभक्त तीन 400 ग्राम 400 ग्राम रो एक विभक्त चारि अंश हरि को देला या को आमे चारि भाग से कर देला वर्तमान या को से केते भाग कर देला चारि भाग कर देला आ गोटे भाग हरि को दे देला देखो एबे प्रश्नटा बुझ गोटे भाग हरि को दे देला या माने 400 ग्राम को चारि भाग कले गोटे भाग को 100 ग्राम 100 ग्राम हरि को दे देला बाकी केते रहिला पिले 300 ग्राम 300 ग्राम टा 600 ग्राम रो केते हेबो एक विभक्त दुई हेबो तार अधा हेबो देखो एटी अधा सरी जिना नाही एटा अधा सरी गला बाकी रहिला अधा ताहले राइट आंसर हेबो एक विभक्त दुई याकु जदि आमे प्रोसेस रे समाधान करिबा हमरो उत्तर होची देखो टोटल केक रु एक विभक्त तीन खाइला ताहले आमर रहिला दुई विभक्त तीन दुई विभक्त तीन र एक विभक्त चारि अंश बाहर करिबा आमे ठीक करिदिले प्रथमे ठीक करिदिले तो आमर केते हेगला ना दुई विभक्त तीन गुणन एक विभक्त चारि समान दुई विभक्त बार हला दुई विभक्त बार आमे एबे काटिबा जति कि थिला सेति कि रु दुई विभक्त बार काटिबा एति कि रु दुई विभक्त बार काटिबा
तो दुई विभक्त तीन माइनस दुई विभक्त बार लसा को गला बार तीन रे चार गुणिले बार दुई रे चार गुणिले आठ आठ माइनस दुई समान छ विभक्त बार छ एक छ छ दुणे बार एक विभक्त दुई बाहर राइट आंसर क्लियर हो गलो हला राइट आंसर हो एक विभक्त दुई ठीक अच्छी। बाईस नंबर देखो केमिति प्रश्न पड़ुची भग्नांश को टिके इम्पोर्टेंट दबो भग्नांश चैप्टर को आमे कोनो इम्पोर्टेंट देखि पढ़ीचे भी भग्नांश चैप्टर को टिके पढ़ी दबो ठीक है। निम्नोक्त मध्यरु केउटी बृहत्तम भग्नांश बारंबार पढ़ुचे सबुठारु बड़ भग्नांश किए एई भलिया क्वेश्चन आसिले वज्र गुणन करिवो पिले एक विभक्त दुई दुई विभक्त तीनी तीनी विभक्त चारि चारि विभक्त पांच सब कुछ सीरियली रखिदेव एटि जने स्टूडेंट्स मते कहउछन्ती सर इंग्लिश ग्रामर क्लास करंतु अरे मु इंग्लिश ग्रामर कथा कहिछि ना नाही जे इंग्लिश ग्रामर रु क्वेश्चन आसिबोनी पिले जो जो पाठरु क्वेश्चन आसिबो ऑलरेडी आमे क्लास करी सारिछे तथापि आउ थरे मु रिविजन करै देबि एबे आमे वज्र गुणन करिबा दुई दुण चारि तीन एक तीन एटा चारि हेगला एटा तीन हेगला माने एटा सान हेगला एको काटी देले एटा बड़ हेला एबे एही दुईटा कंपेयर करिबा चार दुण आठ आउ तीन तीन नौ एटा आठ आसिला तो ये सान हेला याको काटी देले एही दुईटा करिबा तीन पंचा पंदर चार चौ षोहल एटा सबुठारु अधिक हेला चारि विभक्त पांच डी हेबो करेक्ट आंसर कौन हेबो डी हेबो राइट आंसर हला। नेक्स्ट पढ़ा तेईस नंबर को निम्नोक्त मध्यरु केउटी एक जौगिक संख्या नुहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोजिट नंबर चारि नौ एक कौन सी नुहे प्रश्न बुझ प्रश्नटा को बुझ एठी आमको कहिछि जौगिक नुहे चारि गोटे जौगिक एटा हबनी नौ गोटे जौगिक एटा हबनी एक जौगिक नुहे किंबा मौलिक नुहे एकटा जौगिक नुहे किंबा मौलिक नुहे सी हेबो राइट आंसर प्रश्न कौन कह जौगिक नुहे कही एकटा जौगिक नुहे किंबा मौलिक नुहे एटा गोटे स्वतंत्र संख्या सी हेबो करेक्ट आंसर अधिक भितर को जाओनी पिले एटा स्वतंत्र संख्या एटा हम जानिचे समस्त किंतु एबे क्वेश्चन हिसाब रे एटा हमर जौगिक नुहे स्वतंत्र सी है करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर चौबीस देख ये रफ पाई काम दे तो गणित प्रत्येक क्वेश्चन को समस्ते एटी रफ कर हिसाब कर उत्तर कर चौबीस नंबर गोटे समबाहु त्रिभुज रे अति बेसी रे केतोटी समकोण रही पार्ब चौबीस नंबर एक समबाहु त्रिभुज रे केतोटी समकोण रहिबो समबाहु त्रिभुज माने सबु बाहु समान जेते बेले सबु बाहु समान हो जाए आमर सम्मुखीन कोण गुड़िकर परिमाण समान हो जाए सबु कोण समान हबो ना सबु बाहु समान हेले आउ जानिचे त्रिभुजर सबु कोण मिसि के 180 डिग्री माने गोटे गोटे कोण हमर 60 डिग्री लेखा हैला केते डिग्री 60 डिग्री लेखा हैला 60 30 180 हेइ गला तो एठी कहिछि केतोटी समकोण एठी समकोण हैला कि पिले 90 डिग्री हैला कि हेबोनी तो एठी भी सी हेबो राइट आंसर 24 नंबर शून्यटी समकोण हेबो गोटे भी समकोण हेबो नाही चौबीस नंबर सी हेला करेक्ट आंसर यस बहुत बढ़िया। पचीस नंबर क्वेश्चन इंग्राजी अक्षर एच रतोटी प्रतिसम अक्ष अच्छी प्रतिसम अक्ष कहले
ना बोथ साइड को समान दुई भाग कर। उदाहरण स्वरूप जदि आम गोटे आयत चित्र अंकन कले या केमी फोल्ड कले समान रतटा प्रोसेस हम पिले ना दुईटा हम गोटे यू भांगी देले भी दुई भाग समान दुई भाग हम एठ भांगी देले भी समान दुई भाग हम तो केवल दुईटा ही पार ठीक सेमती एच रो के सैड रू भांगिक आम रखिले से सामान सामान भलिया र दुईटी हम सी हम आम एठू भी भांगी देले समान समान दुई साइड रठू भी भांगी देले समान समान दुई साइड रचिश नंबर सी हम करेक्ट आंसर है। छब्बीस नंबर मन पक रिविजन मान सब पाठ रु क्वेश्चन आसे सब पाठ को मन रख। छब्बीस नंबर तीन अयुत चार हजार पांच शह षाठी जोग तीन अयुत चार शह नौ समान केते हेबो जुग करिबा तीन अयुत चार हजार पांच शह षाठी डिफिकल्ट हम समस्ते स्थानीय मान लिखिदेव एकक दशक शतक हजार अयुत तापरे कहिछि तीन अयुत चार शह नौ बाकी आम लिखीदे एम शून नौ राइट आंसर है छ चार नौ छ नौ ऑप्शन ए ए हम करेक्ट आंसर करी भलिया क्वेश्चन आसिले आराम रे करी परिबा। सतेश नंबर पांच अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या ओ छ अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्यार अंतर केते व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर अंतर कही डिफरेंस केते हेबो को आमे बाहर करले छ अंक विशिष्ट बड़ संख्या एक दुई तीन चार पांच पांच अंक विशिष्ट बड़ संख्या छ अंक करदे ना पांच अंक बड़ संख्या एवं छ अंक क्षुद्रतम संख्या माइनस कले उत्तर बाहर एक सी हे करेक्ट आंसर सतईस नंबर सी। प्रश्न नंबर अठाईस देख पिला जनक पूरा बहुत बढ़िया काम करती रफ कम कर जोटा बुझीहबनी ना जोटा बुझीहब नुह गणितर सब पिले रफ कर दरकार आ परीक्षा सरला समस्ते निज निज क्वेश्चन संगे संगे मत पठेब एग्जाम सरीगला समस्ते पीडीएफ करके क्वेश्चन पठेदेव देखा कौ मैंने रफ कम करो मैंने केतेटा रईट कर। अठाईस नंबर अठाईस रतोटी गुण नियक अच्छी ट्वेंटी एट हेज हाउ मेनि फैक्टर्स फैक्टर्स ऑफ 28 अठाईस रतोटी आमर गुण नियक अच्छी प्रथमे एक आउ अठाईस दुई आउ चौद तीन जीवनी चार सता अठाईस ताहले एक दुई तीन चार पाँच छटी हे डी हे करेक्ट आंसर ये भाया लिख अंतीस नंबर एटा पढ़ी दिले समस्ते एबे उत्तर दूसरे भी एक रु पचास मध्य केतोटी मौलिक संख्या अच्छी केतोटी मौलिक संख्या अच्छी उत्तर दे दियो पंदर टी वेरी गुड बी हे राइट आंसर पंदर हम राइट आंसर अंतीस नंबर बी हे राइट आंसर। प्रश्न नंबर तीस निम्नोक्त मध्य क्यों दुईटी जमज मौलिक संख्या अटंती जमज मौलिक संख्या ये आउ गोटे क्वेश्चन ना पिले दशमिक उपरे ना कि दशमिक रु भी गोटे क्वेश्चन पड़ो
दियो 30 नंबर जमज मौलिक कहले कौन ना दुईटी संख्या मध्य गोटे आमर कौन आसीबो ना जौगिक संख्या आसीबो तो तीन और पांच डी है करेक्ट आंसर। तमें एबे काम है परस्पर मौलिक संख्या टिके पढ़िबो पिले परस्पर मौलिक संख्या ठीक अच्छे। तो ये भाया क्वेश्चन आसूची टिके रिविजन रे मन पकेबा केउ केउ पाठ को टिके आमे फोकस करिबा। प्रथम है भग्नांश समस्ते भग्नांश को ठीक भावे पढ़ी की समाधान करिबो। दशमिक मौलिक जौगिक गुणनीयक गुणितक मौलिक भितर परस्पर मौलिक जमज मौलिक टिके पढ़िबो गुणनीयक गुणितक ऐकिक धारा समय हिसाब आसीबो इथरो आसीबो समय हिसाब आउटे टंका पैसा एति तो सब देखु कौन कौन क्वेश्चन आसमें पढ़ी सब ऑलरेडी चैप्टर वाइज क्लास सरी जाए प्रतिसम चित्र वृत्त परिसीमा क्षेत्रफल तो सब कुछ थरे लेखाए ठीक भाव पढ़ी नब पिले आ प्रैक्टिस कर कारण यही क्वेश्चन आम परीक्षा आसला। तो आज क्लास देखा पुणी नेक्स्ट क्लास रे समस्ते टी मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस कर एवं अन्य क्वेश्चन गुड़ी को अभ्यास कर। थैंक यू।